दूर दूर से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग दोस्तों साथियों सभी को आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मेरे हाथों में ये जिम्मेदारी जो आप लोगों ने विश्वास करके मुझ पे दिया है, हम कोशिश करेंगे जितना हो पाए हमसे, जितना बेहतर हो पाए अपने पंचायत वासियों के लिए दिन रात एक करके मैं कोशिश करूंगा। सारे शिकायत को दूर करके मैं भरा हुआ है, न जाने वो कितने मेहनत किए हैं तब जाके वो आज उस मुकाम पे है। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप जिस फील्ड में अपने लाइफ को सेटल करना चाह रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए यू विल हैव टू स्ट्रगल विदाउट स्ट्रगल यू कैन गेट नथिंग। इस माय चैलेंज टू, क्योंकि बिना स्ट्रगल किए हुए, अरे चलो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका सपना है कि लाइफ में कुछ बनना है तो ये ध्यान रखिए, ये सपना सिर्फ आपका नहीं है, इस सपने के पीछे आपके गार्जियन, आपके माँ पिताजी, आपके समाज, टोटल लोगों एक सपना है उससे जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप अपना सपना पूरा कीजिएगा, आप समझ जाइए कि उस दिन आपके फैमिली वाले, आपके सगे संबंधी, आपके पंचायत वाले, हर लोग खुशी होगा कि चलो ये बच्चा पूछा करके दिखाया है। तो शॉर्ट में एक कहना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए, जितना हो सकेगा हम आप लोगों को सहयोग करेंगे। और कुछ अब बात करते हैं पंचायत की। पंचायत में जैसे कि अभी हमारे पास लिस्ट आए थे आवास योजना का, लगभग 111 आदमी का नाम उसमें है। उसमें क्या है कि जो लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ भी है, तो अभी हम अपने स्तर से उसे जांच भी नहीं किए, और जांच करने के बाद फिर भी कोशिश रहेगा उसमें से मैक्सिमम लोगों को वो आवंटन जाएगा। और क्या है कि अपने पंचायत में बहुत लोगों का ये राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, और आवास योजना लेने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। तो उम्मीद है कि अगले मंथ राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान देना, आप लोग को भी है और हम तो एक्टिव है नहीं। जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, जिनको चाहिए, वैसे व्यक्ति को आज तक पिछले 20 सालों में नहीं मिला है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति रियल मतदार है आवास योजना का, सबसे पहले वैसे लोगों को हम देने का काम करेंगे। किसी भी कोई जाति भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि मुखिया उस पार का है, अरे भाई उस पार इस पार क्या होता है, सब तो ऐसी पंचायत है। आज भी लोग कहते हैं कि मुखिया जी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। मेरा यह कह रहा है कि हम सही बात है कि हम हर घर, जो भी घर पूरे पंचायत में है, हर घर को हम अपना घर मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, तभी विकास संभव है। अगर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे इस पंचायत का मुखिया बनाया, मैं अपने आप को हमेशा समझता हूँ मैं एक सेवक हूँ और आपका सेवा करने के लिए ही मुझे चुना गया है। मेरे मन में एक तो वो लगभग तय है कि वो हम कर देंगे। और मैं युवाओं के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी राइटर ने लिखा था, द विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, द विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इट मीन जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आई कैन टेल ऑन दिस मंथ फॉर यू, इफ यू हैव एनी ड्रीम, इफ यू हैव एनी ड्रीम, एनी टारगेट, एनी एम इन योर लाइफ, then you can get 100%, but you will have to struggle for that. Without struggle, you can get nothing. युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं, आप जिस फील्ड में है, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे कोई व्यक्ति अपने लाइफ में सफल है, चाहे वो जिस फील्ड में हो, जाने की एक युवा मुखिया होने के नाते मैं मेरा प्रयास शुरू से है और रहेगा भी, मैं कोशिश करूंगा कि अपने युवाओं के लिए कुछ ऐसा, अभी ट्रेनिंग में गए थे हम जम्मू में, वहां से बताया गया हम लोगों को कि युवा के लिए कुछ हम विशेष कर सकते हैं। वो तो अभी हम घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज है जो मेरे मन में है और मैं उसे पक्का करके रहूंगा। कुछ देर पहले
माननीय चंचूर जी ने भी कहे हार्ट के बारे में और हॉर्स के बारे में, तो उसी ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया गया कि आप जो भी जितने मुखिया है निर्वाचित है सबको बोला गया कि आप अपने पंचायत में चाहे तो आप अपने फंड से, अपने फंड से वो जगह जमीन जहाँ पे वो देखते हैं, मैं अपने आप खुशनसीब कर मानूंगा जब पूरे 5 साल आपका सेवा भरपूर कर पाऊं और मेरे शिकायत कम हो तभी समझेंगे हम ये 5 साल अच्छा से चलाए। जीत हार तो चलता रहता है लेकिन इस 5 साल में प्रयास से हर तबके के लोगों से हर लोगों के दिल पे राज करूं तभी पता चलेगा कि भाई हमने कोई अच्छा काम किया है। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। और दूसरी बात है कि कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सुरक्षित चल रहा काम, नहीं तो अब तक अपने पंचायत में वो सचिव का भी चुनाव हो जाता और हो सकता है बहुत जल्द 2-4-5 दिन के अंदर ही पूरे पंचायत में सचिव का चुनाव होने वाला है। जैसे चुनाव हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट आएगा और उसी फंड से विकास ये काम चालू हो जाएगा और ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एसपी साहब भी आने वाले हैं अपने पंचायत में ही और वहां भी मुझे रहना है। इसी के साथ अब अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।